नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू पे। तो यात्रीगण अपनी सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि आज मौसम, जज्बात और हालात तीनों चीजें बदलने वाली है। क्योंकि आज हमारे शो पे आ रहे हैं अरुण पवार भाई, मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट था और आप लोगों ने भी बहुत सारे मैसेजेस किए थे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम भाई के साथ में पॉडकास्ट शूट करें। तो बहुत सारी डिस्कशन हुआ है कॉन्ट्रोवर्सी को लेके, इनकी यूट्यूब जर्नी, पता नहीं क्या क्या चीजें निकल गई हैं जो सीरियसली अरुण भाई ने आज तक कभी डिस्कस भी नहीं करी थी। तो जाओ देखो पॉडकास्ट और एंजॉय द शो। स्वागत करते हैं अरुण भाई का जल्दी से, चलो फिर। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण भाई हमारे चैनल बी यू पे। कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया, आप बताओ। बस मैं एकदम बढ़िया। वैसे मैं ये सोच रहा था, जनता को बता दूंगा, इतनी डिमांड करी है ना लोगों ने, इतनी डिमांड करी है यार, अरुण भाई को बुलाओ, अरुण भाई को बुलाओ। थैंक यू। तो कैसा, मतलब आप, मैं जानना चाह रहा हूँ पर्सनली, आप थोड़े से सर मारे थे, आपने बोला था कि यार मेरे को थोड़ी शर्म से आती है, ऐसा क्यों? करा नहीं ना पहले कोई भी काम, मतलब ऐसे दिया नहीं ना, जैसे कैमरा, लाइट और माइक के सामने इंटरव्यू वगैरह ना, तो फर्स्ट टाइम में होता ही है हर चीज में, तो इसीलिए थोड़ी सी बस ऐसे था कि यार कैसे मतलब। और भाई ने जैसे भी बोला था तो मैं कह रही नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं हो पाएगा, बस सब हो, मतलब मैंने कहा चलो थोड़ा सा करते ही हैं। बट नहीं, जनता देख लो अरुण भाई आ गए हैं, भाई से हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी और भाई ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी कि चलो भाई हम आते हैं और पॉडकास्ट को शूट करते हैं। अब जैसे आप बाहर रहते, गाड़ी में रहते, तो थोड़ा मैं कम मतलब सही रहता, फिर ऐसे नहीं कहता कि भाई नहीं नहीं, नॉर्मली बाहर करते तो हो जाता, तो इंडोर्स में थोड़ा सा ऐसे मैं बाहर ही नहीं, इसलिए हमने बाहर वाली लाइटिंग भी आज डाली हुई है आपकी। हाँ, तो चलो पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं आपकी जर्नी से, जो आज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं चैनल के ऊपर, ठीक है? तो वो जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, थोड़ा एक बार जनता को प्लीज बताओ आप। भाई स्टार्टिंग मतलब ऐसे कॉलेज में जाते थे ना, जैसे स्टार्टिंग करी थी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की, तो ऐसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, तो वहाँ पे ज्यादा कुछ करने को होता नहीं था, तो फिर मैंने मतलब हम गाड़ी हमने नई नई ली थी बलेनो उस टाइम पे, वो जैसे फेसलिफ्ट आई, जैसे आज ही, जैसे आज 21 तारीख है, जैसे आज वरना आई है, तो वरना को कोई कल लेके उस पर वीडियो वीडियो बनाएगा तो ऑब्वियसली उसमें तो रहेगी, क्योंकि अभी तक किसी ने देखी नहीं है, इस टाइप से था। तो एक्सीडेंटली हमने उस टाइम क्या हुआ कि हम पे पहले एक रिट्स गाड़ी हुआ करती थी, 8 साल चलाई, तो वो हमने बेच के नहीं लिया है, तो मतलब ऐसे कभी कोई प्लान ही नहीं था कि ऐसे वीडियो बनाएंगे गाड़ी को लेके या कुछ भी ऐसे जैसे आजकल रहता है। तो मैंने मतलब डिलीवरी विलीवरी का कुछ शूट ऐसे किया ही नहीं, तो ऐसे ही मैं फिर जाता था अपने दोस्त के साथ, फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, ऐसे कुछ इनिशियली डेज में, तो फिर बलेनो लेके, फिर मैं खाली रहता था ना टाइम, तो जैसे स्टेटस का तो सबको शौक रहता है, जैसे स्टोरी वगैरह डालने का, तो इंस्टा वगैरह पे हम सब डालते हैं, उस टाइम फेसबुक भी चलता था, अब तो खैर फेसबुक के ऐसा ही है, तो उस टाइम ऐसे डालते थे। तो एक दिन फिर मैं ऐसे ही स्टेटस वगैरह, जैसे मैंने व्हाट्सएप मैंने सोचा चले एक बार यूट्यूब पे भी ऐसे डाल देता हूँ, क्योंकि कई टाइम लगता है, क्योंकि 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, तो तब तक अपडेट बहुत ज़्यादा हो गया था यूट्यूब, तो वो प्लस का साइन आता था, उस पर क्लिक करो, अपलोड अ वीडियो करो, और हो जाता था, तो मैंने ऐसे कर दी। अब उस पर कमेंट आई कि भाई बलेनो फेस लिफ्ट लिया है, क्योंकि उस टाइम खरीदी नहीं थी ना लोगों ने, और इतना उसका कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम गाड़ियों के बारे में ज़्यादा वीडियोस रहती नहीं थी, प्रोफेशनल रहती थी, जो प्रोफेशनल चैनल है ना, जैसे ऑटोकार हो गए, बड़े बड़े जैसे प्रोफेशनल जो करते हैं, अब वो करते हैं जब कंपनी उनको गाड़ी देती है, अब शोरूम में जाके उसका रिव्यू बना के वो अराउंड डालना उस टाइम नहीं था कोई, तो उस टाइम पे मेरे पास थी, तो उस पर कमेंट ऐसी आई, क्योंकि मतलब ऐसे कि भाई इसकी वीडियो बना के डालो, कैसी गाड़ी है, तो मतलब रहता है ना आपकी वीडियो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे, मतलब कैसे उसके पास पहुंची, जबकि कोई शेयर नहीं करी, वरना लोग ऐसे तो उसी वीडियो का स्टेटस लगाते हैं ना व्हाट्सएप लिंक वगैरह, तो भाई मैंने सोचा यार ये वीडियो इस पर कैसे, तो मैंने रिप्लाई में ऐसे ही पूछने लग गया कि भाई ये वीडियो आप तक कैसे पहुंची, कह रही होम स्क्रीन पर आ रही थी। भाई अब उस टाइम पे मतलब जब आपको ABC भी ना पता हो यूट्यूब का, आपकी वीडियो ऐसे होम स्क्रीन पे आ जाए, अच्छा था, तो लगता है कि यार ऐसे कैसे आ गई, तो उस लड़के ने कहा था, तो मैंने फिर ऐसे ही मतलब फर्स्ट वीडियो अब देखोगे ना बहुत ही ऐसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी, तो मैंने ऐसे डाल दी, फिर वो रिकमेंड करता था, क्योंकि उनको भी लेनी थी, बात ये होती है ना, तो वो ऐसे कहता चला गया कि इसकी और बनाओ, हम खाली रहते थे कॉलेज के टाइम पे, तो मैं जो जो वो टॉपिक बोलता था कि एक्सेलरेशन टेस्ट करो, पावर टेस्ट करो, इससे ऑफ रोडिंग करो, ये करो वो करो,
मैं बनाता चला गया, और उस टाइम भगवान की दया लगा लो, कुछ भी लगा लो, बलेनो ट्रेंडिंग में भी थी, नहीं नहीं गाड़ियाँ ही थी और ज़्यादा चर्चे थे, ज़्यादा लोग बनाते नहीं थे, वो धीरे धीरे करके ऐसे चला होता चला गया। फिर मैं भी थोड़ा सा ऐसे मेरा भी इंटरेस्ट बनता चला गया, फिर मैंने बाकी गाड़ियाँ भी स्टार्ट कर दी करनी। तो भाई उस टाइम पे मतलब सबसे पहली नई गाड़ी मेरे चैनल पे आती थी, मैं ऐसे जुगाड़ जुगुड़ कर कर आके ना कहीं से भी, चाहे ग्लेंजा हो, मतलब गाड़ी लॉन्च नहीं होती थी मैं उससे पहले रेस कर देता था, मतलब इतना मैं मेरा भाई आकाश हमने मतलब इतना वो मेहनत करी थी ना उस टाइम पे। तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा के कि पापा को दिखानी है वीडियो, वरना बनाने नहीं देते, तो हम एज अ कस्टमर बन के जाते थे। अच्छा हमको गाड़ी खरीदनी है ऐसे ऐसे, आज भी करते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी है, सेल्समैन है किस लिए, उनकी ड्यूटी ये है कि भाई कोई कस्टमर भी आ रहा है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेने भी आ रहा है तो उनको देना बनता है। वो तो इस आज के टाइम में 2023 में ऐसा हो गया कि वेटिंग इतनी हो गई कि सेल्समैन के नखरे बड़े रहते हैं, वो ढंग से बात भी नहीं करते अगर कोई कस्टमर जाता भी है। लेकिन उस टाइम पे तो अगर आप मंदिर टाइम में जाओगे तो भाई साहब उस टाइम तो ऐसे पीछे पड़ जाते थे कस्टमर के, फोन पे फोन, और इतनी सेवा होती थी, इतने बढ़िया तरीके से ट्रीट करते थे, तो मतलब उनसे हम कुछ भी कह देना वो भी कर देंगे, तो इस टाइप से होता था। ये वाला टॉपिक ना आपने वैसे बड़ा सही बताया कि जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, एक अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। एक टाइम पे क्या था कि आप किसी भी शोरूम में जा रहे हो, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, तो वहां पे ना ट्रीट आपको एक अच्छा किया जाता है। बट आपको ऐसा कुछ लगता है कि यूट्यूब ने आज उनके भाव बढ़ा दिए तो वो भी एक अलग से रिएक्ट करते हैं कस्टमर्स? बिल्कुल बिल्कुल भाई, यूट्यूब अगर उनको पता चल गया ना कि इसके हाथ में तो कैमरा है, ब्लॉगर है, या इसका अपना मतलब कुछ है जो शोरूम में आया है, तो भाई वो भाव भी नहीं देते, फिर उनका एकदम वो बदल जाता है ना जरिए ये देखने का ना, बेशक वो खरीद नहीं आया है गाड़ी को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो अब इस तरीके से वो बात बात नहीं करते जैसे पहले हुआ करता था। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार बंदे ने? मैं अच्छा तो जब से अब मैं थोड़ा सा हुआ, मैंने शोरूम में जाना ही बंद कर दिया, गाड़ी दे दी कंपनी तो वेल एंड गुड है, वरना ऐसे में जाता ही नहीं शोरूम वोरूम में। अब कि मैं ऐसे रिव्यू के लिए गाड़ी दे दो उसमें फील नहीं आती यार। अभी स्पीति ट्रिप की अगर बात करें तो वो तो हिस्ट्री क्रिएट कर गई अपने आप में। हाँ भाई बिल्कुल, क्या मतलब मैंने बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों ने आपको भी टारगेट किया था, ठीक है मैं ऑल्दो नाम नहीं लूंगा, सबको पता ही है, ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि जैसे महिंद्रा ने सेम लोकेशन पे लाके अपनी वीडियो बनाई, वो दिखाया, तो वो कहा किस हद तक ठीक था, किस हद तक गलत था? देखो भाई, इस दो तरीके से सोच सकते हो इस चीज को। एक्चुअली हुआ क्या ना इस केस में, देखो गाड़ियों में प्रॉब्लम मेरी कहो, अब जैसे लोगों ने स्पेसिफिकली महिंद्रा को मेरे साथ लिंक करके मेरे को भी टारगेट किया, मैं पहले अपनी बताता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी उठा के देखोगे ना, कोई कंपनी नहीं बची भाई, किया ले लो, मेरी खुद की गाड़ी में 1.5 से 2 लाख रुपए का उन्होंने किया वालों ने ट्रांसमिशन चेंज किया था, इसके उसमें छेद भेद हो गया था, हीट वीट होके तो ये गर्म हो गया था, किया हो गई एक मेरी मौसी के लड़के की किया में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मैंने बहुत बुरी तरह उनकी करी, ह्यूंडई हो गई, और आपकी टाटा हो गई, टाटा की आए दिन महिंद्रा हो गई, मतलब अगर कहीं कोई गलत कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ये सुधर भी रहे हैं, जैसे हमने बात करी थी पहले कि अब इनके ऐसे थोड़े भाव बढ़ रहे हैं, तो ये सुधर भी बहुत रहे, सर्विस एक्सपीरियंस में बहुत सुधार आया है पहले से, पहले सेल्स का अच्छा रहता था लेकिन सर्विस के मामले में कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था, लेकिन अभी सर्विस में बहुत ज़्यादा सुधार है, तो इनके कारण यही है। तो हर तरीके से भाई मैंने सारी कंपनियों की करी है और एक एक प्रॉब्लम करी है आज तक, भाई कोई जो भी इनमें से केस है कोई भी न्यूज़ में नहीं आया, ना किसी ने आर्टिकल लिखा, ना किसी ने कुछ भी कहा। रीज़न इसका मैं आपको सिंपल सा महिंद्रा के एंड से बताता हूँ। इसमें हुआ क्या है ना कि अब जैसे महिंद्रा की इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, अभी भाई उससे 3-4 दिन पहले मैंने टाटा की एक वीडियो डाली है जिसमें उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा जंग आ रखा है, 6 महीने पुरानी गाड़ी में बहुत जंग आ रखा है, कस्टमर बहुत परेशान है, टाटा वाले सुनते ही नहीं है। महिंद्रा की चलो ये अच्छी बात है कि महिंद्रा कम से कम वीडियो देख के एक्शन 100% लेता, लेकिन टाटा को इन चीज़ों से सोशल मीडिया से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या किया भाई, जो ये वाला पर्टिकुलर केस था ना, ये जो उछला है ना नेशनल मीडिया में, जो आप बोल रहे हिस्ट्री क्रिएट करी है, अब इस चीज़ की हमको कैसे पता लगता है कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, क्योंकि जितने न्यूज़ चैनल होंगे, मीडिया वाले होंगे, जितने ज़्यादा इसको डालेंगे उतना हमको आप दिमाग में बढ़ता जाएगा कि अरे 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 अरे, तो ऐसा रहता है। वरना केस तो बहुत पहले पहले बहुत हुए हैं कि आग भी लग गई थी। तो भाई ये जो हाथ है, ये जो महिंद्रा का कोई एक कॉम्पिटिटर ब्रांड है, वही मेड इन इंडिया,
ये उनके द्वारा करवाया गया था पेड, क्योंकि अच्छा। अगर आप डिटेल में हर एक आर्टिकल को, चाहे वो इंडिया ये हो, इंडिया टीवी हो, या न्यूज 18 हो, या आज तक हो, या कोई भी हो, हर सब में सेम टाइटल अ मैन अ यूट्यूबर, अ मैन टेक्स हिज एसयूवी, सेम लाइंस, दो तीन सेम लाइन नीचे दो, उन्होंने ना अपना कोई ओपिनियन दिया है, क्योंकि सबको सब पता रहता है भाई ये बहुत तेज होते हैं, ना उन्होंने अपना कहीं ओपिनियन दिया, ना उन्होंने मेरा कहीं नाम लिखा है, ना महिंद्र, मतलब ये करवाया गया, क्योंकि एट द एंड इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, अगर महिंद्रा की ये चीज ऐसा लोगों ने उसको उस एंगल से कभी सोचा ही नहीं, वो मेरे ऊपर आए कि तेरी बदनाम करने की साजिश है, जबकि आप मेरा उठा के देखोगे तो महिंद्रा मेरी एन में पहली दिक्कत नहीं थी, स्टेयरिंग का इतना भयंकर इशू था, 100 से ऊपर आप पकड़ नहीं सकते थे उसको, तब तो किसी ने नहीं डाली थी किसी आर्टिकल वाले ने कि ऐसे ऐसे स्टेयरिंग इशू इन स्कॉर्पियो, ये जो दूसरी वो है ना दूसरी, क्योंकि उनका ही अब जो अगर महिंद्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने लाजवाब, जो दूसरी बाकी कॉम्पिटिटर गाड़ियां जो अभी फेसलिफ्ट उतार रही हैं उनकी गाड़ियों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, और सबसे ज्यादा उनको बदनाम करने में फायदा दूसरी कंपनी को ही जाना है डेफिनेटली, तो जो दूसरी कंपनी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, पब्लिक समझदार बहुत है, उनकी पीआर आज के टाइम में जो इस इंडस्ट्री में होंगे वो समझेंगे इस बात को, लेकिन बात नहीं करेंगे कभी कि उनकी पीआर टीम जो है भाई साहब अपने लोहे से ज्यादा भी पैसा खर्च वो अपनी पीआर पे कर रहे हैं आज के टाइम में, जो इतने आप उनकी सेल्स इतनी ज्यादा देख रहे हो, उनके हर तरीके से जो मार्केटिंग होती है उनका प्रॉपर हाथ है ये, वरना अगर हर अगर आप वैसे ढंग से सोचोगे ना, जितने भी ये सोशल ये न्यूज वाले होते हैं ना, हर एक आर्टिकल इनको सेम पाएगा, और ये तब होता है जब इनको पेड बोला हो लिखने के लिए और इस तरीके से चलने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये उसमें घूमेगा उन फायदा उनका होना है दूसरी कंपनी का। तो जब महिंद्रा ने वो आर्टिकल दिया था तो महिंद्रा ने ये जो वीडियो बनाई है ये उनको ही गलत प्रूव करने के लिए बनाई है, मतलब क्योंकि एट द एंड हुआ क्या ना कि लोगों के दिमाग में तो अब ये हो गया, क्योंकि उनको पूरी स्टोरी का नहीं पता, देखो जब तक बात अपनी यूट्यूब पे है, यूट्यूब तक रहती है, तब तक हम आप यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब देखते हैं, ये यूट्यूब पे देख लेते, मेरा पूरा केस समझ लेते, और मैं फिर अगर महिंद्रा वाले आके मेरे गाड़ी को ठीक कर देते तो मैं बता देता तो हो जाता क्लियर, लेकिन जब जो बंदे अब नॉर्मल भाई एक अंकल है मान लो 70 से 75 साल के, अब न्यूज तो स्क्रॉल हर कोई करता है उनके उसमें दिखा, तो उनको क्लियर करना महिंद्रा ने सोचा कि इस टाइप से सही है, इस टाइप से करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को भी गलत लगा कि चलो ठीक है तुमने ऐसे दिखाया अपनी गाड़ी की लीक नहीं करती, लेकिन एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत था, इस पे आप चलो मान लो आपको हम पे डाउट था, आप टीम लेके हमारे पास भेज देते, कैमरा वैमरा अपनी प्रोफेशनल टीम लेके जो आपने वहां पे भेजी, आप वहीं पे पूरा इशू दिखाते, मतलब यार पैसा आपके पास नहीं है क्या, जो लोगों ने वो करवा दिया आप भी निकलवा देता आर्टिकल कि वी फिक्स्ड द स्कॉर्पियो एंड वरुण पवार ऐसे करके, वहीं पर अपना अगर हम पे भरोसा नहीं था कि हम वीडियो बना के डालेंगे नहीं डालेंगे, आप अपनी पूरी टीम भेज के उसको वहीं पर ठीक करते। मैं तो कहता हूँ जैसे जो भी भाई हम पे वो लगा रहा है कि ये खुली हुई थी वो खुली हुई थी, मैं तो ओपनली कहता हूँ ना कि भाई चलो जिसपे भी स्कॉर्पियो है जो भी हम पे ऐसे इल्जाम लगा रहा है, अब मेरे पास लिया हो स्कॉर्पियो इनको ठीक है, उसकी हल्की सी रबड़ लूज कर दोगे ना, बिडिंग बोलते हैं उसको, क्या बिडिंग बोल दोगे, वो लूज मतलब पीछे से नहीं हो सकती कभी किसी गाड़ी में, उसको आप लूज कर दोगे हल्की सी किसी झरने के नीचे लगाओगे वो टपकेगी। उसमें ये भी काफी सारे लोग बोल रहे थे कि उसमें ना पानी का जो फ्लो था वो बड़ा बहुत हाई उस पे था, तो ताकि उसकी वजह से मैं भी शायद नहीं नहीं ये तो भाई जैसे ये तो कवर करने के लिए बाद में बनवा, महिंद्रा ने भी ऐसे वीडियो बनवाई हैं जो बड़े क्रिएटर हैं उनसे कह के वो निष्पक्ष होकर उन्होंने वीडियो बनाई है कि ना मेरी साइड लगे ना उनकी साइड लगे, लेकिन एट द एंड गलत दिखाया गया है। उससे पहले भाई अल्टो धुल के गई है, हमसे पहले अल्टो धुल के गई है, और हमने अपनी सेम झरने पे थार भी, अब भाई मुझे अगर मैं भी पहली बार करता तो मुझे भी बहुत डर रहता, सनरूफ की मेरी पहली गाड़ी है चटक जाए सो झंझट है भाई, जब मैं थार मैंने पहले कर रखी थी, क्योंकि जब थार में जबकि ज्यादा शिकायतें बताई जाती है लीकेज की और उसमें हार्ड टॉप है प्लास्टिक का है, मुझे लगा भाई नॉर्मल होता होगा, थार में अपने लद्दाख की भी धोई थी मैंने और ऐसे ही मैं स्कॉर्पियन को लेके वहां पे चला गया था, मुझे लगा कुछ भी नहीं होगा, अगर जैसे लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड था ये था वो था,
अगर मेरे को ऐसे रहता तो मैं अंदर भी तो कैमरा लेके बैठता, तीन चार एंगल ऐसे इधर उधर शूट लगा देता। मैंने तो किया, मैं तो बाहर से, क्योंकि एक स्नोफॉल कह रहा हूँ, वाटरफॉल होता है उसका, बाहर से काम है, बाहर झरने का, तो मैंने मामा का लड़का बाहर खड़ा कर दिया था ऐसे कैमरा लेके, भाई खड़ा हो। टाइम हाँ, आपकी जगह कोई भी होता तो डेफिनेटली यार, आप अगर पैसे लगा रहे हो और आपको चीज उस वैल्यू की नहीं मिल रही है तो ऑफकोर्स हम कंपनी को ही ब्लेम करेंगे ना। और इवन मेरे को, मैंने 4-5 यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखी, आपको सपोर्ट भी काफी लोगों ने किया है जो कि करना भी चाहिए। उसमें एक फॉल्ट मेरे को ये लगता था कि महिंद्रा को इंस्पायर्ड ऑफ कि वो अपनी वो वीडियो अपनी गाड़ी ले जाके वहां पर वीडियो शूट कर रहे हैं, कि उनको आपको फोन करना था या आपको किसी ना किसी थ्रू कनेक्ट होना था कि भाई प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने सिर्फ ये दिखा दिया कि मैं गाड़ी लेके चला गया। वही तो लोग बोल रहे हैं कि अर इसको फोन करना चाहिए था पहले, सर्विस सेंटर पे कोई भी बंदा होता है तो रिजोल्व करवाता पहले। भाई वो भी तो कर सकते थे ना, उनका कितना कॉल आया। बट इसमें रीजन पता लगा कि किस वजह से ये सब लीकेज हुई थी? नहीं, अभी कोई उनका, उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ नहीं बताया। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया, वो बस गाड़ी ले गए जैसे नॉर्मली हर बार लेके जाते थे, चाहे कोई भी छोटा मोटा इशू अगर होता था ऐसे लेके जाते थे। ऐसे हुआ, कुछ भी सोच सकते हैं भाई, क्या कह सकते। लोग भाग तो इतना भी बोला है कि लाइक अरुण पवार भाई हमारे कंट्रोवर्सी किंग है। अरे वही तो मेरे को समझ नहीं आता भाई साहब, मैं मतलब कौन सा था ये वाला, मतलब मैं परम भाई के चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा कंट्रो भाई, मैंने आज तक 21 साल कौन सी कंट्रोवर्सी करी है भाई? एक सिंगल आदमी के साथ बता देना भाई, जितनी आज तक कंट्रोवर्सी हुई भी है ना जिनमें मेरा नाम लिया है आप, उनमें भी मेरा कहीं तक भी कोई भी ऐसे कोई वीडियो कुछ नहीं देखोगे। Exactly, मैं भी यही चाहता हूँ कि जनता को आप बताओ कि जो लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं ना भाई, है ना भाई, उनको रहता ना एक टैग लगाना है किसी इंसान के ऊपर कि ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी सुना है मैंने इनको तो कॉन्ट्रोवर्सी से व्यूज निकालने बहुत अच्छे से आता है। अब मैं इस बात का जवाब देता हूँ भाई, भाई एक सबसे मेरे जब तक मैंने होश संभाला एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी बहुत बड़ी, ठीक है, मैं तो भाई उससे भी 100 कदम दूर था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई इस पे, वो मेरे वीडियो निकाल के बात हो रही है तो मैं उस पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं उसमें भी भाई मैंने बस एक ये पॉइंट निकाल के कि भाई मेरे को कीचड़ में पैर नहीं डालना, और ऐसे बोल के मैंने एक सिंगल वीडियो नहीं बनाई। अगर कॉन्ट्रोवर्सी यही तो होती है ना, हम किसी आदमी के साथ फाइट करें, हम किसी इंडिविजुअल के साथ फाइट करें, वो एक हुआ था, लेकिन उसमें मेरी एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं है स्पेसिफिक, जो आप पूरे चैनल पे देख लेना या जो भाई पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लेना, कभी मैंने उसके ऊपर बोला भी हो या बात भी करी हो। रही बात कॉन्ट्रोवर्सी, अब वो किसको कहते हैं, जैसे ह्यूंडई वाला सीन हुआ था हमारे साथ पिछले साल, उसको भी अगर वो कॉन्ट्रोवर्सी का नाम दे रहे हैं तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत महान लोग हैं हमारी इस कम्युनिटी में, ठीक है। जो हुंडई वाली उस केस को वो कंट्रोवर्सी थी भाई, वो इतना सीरियस इशू था, मतलब कोई कस्टमर को मतलब ये चलना ही नहीं चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए था लोगों को, उसको कंट्रोवर्सी बोल रहे हैं। अगर हम किसी की बंदे की हेल्प कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं या पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि इस गाड़ी में ये सब दिक्कतें हैं, तो ये कंट्रोवर्सी होती हैं। जो कंट्रोवर्सी किंग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई लाओ तो सही, कौन सी कंट्रोवर्सी करिए, एक उठा के देख लो, दिखा दो भाई कौन सी एक सिंगल कंट्रोवर्सी भी हो तो। कोई बनाता भी है ना मेरे अगर स्टूडियो, आज तक मतलब पलट के जवाब देना तो छोड़ो, मैंने उनकी वीडियो ही नहीं देखी। मैं क्या अपना मूड क्यों सड़ा ना, चिल रहो लाइफ में, अपना मौज लो। एक क्लैरिफिकेशन और करो, अभी मैं एक भाई की वीडियो देख रहा था, दे टोल्ड कि उन्होंने वीडियो में अपने बताया कि अरुण पवार भाई क्या करते हैं कि मतलब रिसर्च करके कंटेंट नहीं बनाते, ठीक है, एक लाइक एंटरटेनिंग या एक कोई भी कार का आप रिव्यू करें तो रिसर्च बेस्ड कंटेंट नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये चीज बताओ कि मेरा जो कंटेंट को क्रिएट करने का आइडिया वो क्या है। हाँ, तो जैसे आपने सही बात कही, रिसर्च करके नहीं बनाता, नॉलेज नहीं है, ऐसे ऐसे मतलब लोग कहते हैं भाई। देखो मैंने ना जब जैसे मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग बता दी, ठीक है, मैं BCA से पढ़ा हो रूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं कोई इंजीनियर हूँ या कोई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल में मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। एज अ नॉर्मल आम आदमी जितना मेरे को दिखता है और जितना मैं समझता हूँ कि मेरे को पता होना चाहिए और जितना एक आम आदमी के लिए वो लगता है भाई, अगर इतनी डिटेल में चीज़ें जाननी हैं तो फ्री प्रोफेशनल चैनल सीखेंगे या फिर आप ब्रोशर पढ़ लो। अगर आपको इतनी डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप कंपनी से ब्रोशर लेके आराम से पढ़ लो, मतलब जो तो मेरे को जितना समझ आता है कि भाई इतना मेरे को बताना है, इतना मेरे को पता है, इतना मैं बताता हूँ भाई वीडियो में। इसमें रिसर्च क्या करनी है, रिसर्च करके मतलब
भाई सबका अलग अलग कंटेंट होता है ना, सबका अलग अलग अपना बनाने का तरीका होता है। मेरे को तो एकदम रो चीजें रखना पसंद है, जितना मेरे को पता है उतना बताऊं। अब मैं रिसर्च करके उस पर होमवर्क करने बैठूं, ये करना बैठूं, तो शायद आज मैं नहीं होता भाई यहाँ तक जितने मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। तो जैसा पब्लिक ने भाई पसंद किया, किसी ने मेरे ना तो मैंने कोई ये पेड खरीदे हुए या फिर मैंने तो ऐड चलवा किया किसी के थ्रू लाए हुए, ऐसा मेरा तो है नहीं भाई। तो जो उन्होंने पसंद ही किया है लोगों को, तो चाहे बेशक उन ऑडियंस से पूछो कि उन्होंने रिसर्च वाली वीडियो क्यों नहीं मांगी इनसे, रिसर्च वाली नहीं लगी तो उन्होंने सब्सक्राइब ही क्यों किया या देखा ही क्यों। तो मतलब मेरे को जो अच्छा लगता है भाई मैं ऐसे बनाता हूँ, पब्लिक पसंद करती है बस वही, इतना ही मिले काफी। इसमें क्यों 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 मेरे को घुसना भाई उसमें फालतू में कि इतनी ज्यादा रिसर्च करो वो करो। तो वैसे जितनी जितनी पता होनी चाहिए कि आम आदमी को उतना बताना मेरे लिए, मैं भी समझता हूँ बहुत है भाई। तो इतना क्या इसमें मैं एकदम वो करूं उसके, तो जो जो आपके सब्सक्राइबर हैं तो उनको तो इस सिंपल सी चीज है, आज ऑलमोस्ट 1.65 मिलियन सब्सक्राइबर आपके चैनल के ऊपर है, ऑलमोस्ट 1300-1400 वीडियो आपने अभी तक की डाली है चैनल के ऊपर, तो आई थिंक आप अपने सब्सक्राइबर की मेंटेलिटी भी जान चुके होंगे कि भाई मेरे सब्सक्राइबर को ये चाहिए, मुझे उनके लिए तो वीडियो बनानी है। वही तो, मतलब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे रिसर्च वाली चीज है, जैसे ये सब चीजें ना एक तरीके से घुसाने की कोशिश की जाती है ऑडियंस के मन में, मतलब जो ऑडियंस है इनको भी कभी इन्होंने भी नहीं सोचा होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो रिसर्च करके वीडियो नहीं बनाता या कुछ भी, मतलब ये तो खैर ऑडियंस ही बताएगी कि क्या रहता है क्या नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि रिसर्च करके वीडियो बनती है नहीं बनती या ऐसे वैसे। लेकिन वो ये बोलोगे तो फिर पब्लिक भी एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी है क्या, और अगर उनसे पूछने जाओगे तो उनको लगता ही नहीं होगा भाई ऐसा, तभी होगा तो बोलता ही नहीं था पहले तो कोई। अब वही है भाई, जब चूल्हा गर्म होता है सब रोटियां सेकने आ जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। तो भी आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है YouTube को? YouTube को कितने क्लोज से कभी स्टडी करते हो अपने अपने स्टैटिक्स अपनी ग्रोथ? नहीं भाई, या बस कंटिन्यू बनाए जा रहे हो डाले जा रहे हो कॉन्टेंट? हाँ बस ऐसे ही करते हैं भाई, स्टार्टिंग से मैंने ऐसे ही करा है, मतलब अब जैसे रिवेन्यू भी कभी जैसे आता है 23-24 तारीख को, उसी तो बैंक का ही बैलेंस देखता हूँ मैं कितना क्रेडिट हुआ, वो भी कुछ ऐसे पता नहीं रहता कि ऐसे कितना है कितना, कभी स्टेट्स वगैरह पे ध्यान ही नहीं दिया, मतलब वही है ना रिसर्च में जब कंटेंट में नहीं करता तो उसमें तो क्या ही करूंगा भाई। नहीं वहां तो पैसा आने वाला है ना इसलिए। नहीं नहीं उसको भी नहीं देखता, अरे उसको देख लेते हैं तो मान लो किसी महीने कम है तो थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेशन तो यार ह्यूमन नेचर है तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अरे फिर, इसलिए अपना ऐसे रहता है ना चिल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी ना बालक ना बच्चे ना कोई बहू ना कुछ, आराम से क्या टेंशन लेनी है अभी। अभी एज कितनी होगी अभी आपकी? मैं 22 का हूँ भाई अभी। 22 साल। आपको क्या लगता है, जैसे आज ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर से ऊपर आपके चैनल के ऊपर है, तो अर्ली स्टार्ट में इतना फेम नेम मिलना अच्छा होता है या चीजें एज के हिसाब से आए तब ज्यादा ठीक होता है, कभी सोचा है कभी ऐसा भाई? ये तो मतलब ऐसे ना तो मैं कभी वैसे चाहे कि फेम मिले मुझे, क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ फेस के साथ ही वीडियो बनाई है, तो मैं चाहता ही नहीं था कि ऐसे फेम वेम कुछ मिले, मैं थोड़ा सा प्राइवेट प्राइवेट रहना चाहता था। ये तो भाई संजो लगा लो कि ये इस लाइन में इसमें पड़ गए, वरना तो मेरे से अगर कुछ ऐसे मिलता भी है तो मतलब ऐसा तो अच्छा लगता है, बट थोड़ी शर्म आती है मिलने में। क्यों आती है? और मुझे ये भी चीज जनता को क्लियर करो, मास्क लगा के क्यों बनाते हो? जनता आपको, मैंने कमेंट्स देखे थे, जनता बोले भाई मास्क हटाओ चेहरा दिखा के वीडियो बनाओ, हम प्यार करते हैं आपको पसंद करते हैं आपको देखना। बस ऐसा ही है भाई, स्टार्ट कोविड के टाइम पे पहले तो मैं वो भी नहीं दिखाता था, मतलब फेस मास्क के साथ भी, लेकिन फिर बाद में मैंने वो कोविड आ गया तो फिर वो लोगों ने कहा कि एक ही एंगल पे अच्छा था नहीं लगता, फिर मैंने वो वाली चीज कर ली बस। तो भी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो इन दिनों? कुछ भी नहीं, इजी सब नॉर्मल है भाई मेरे तो। मैं तो वहां स्पीति भी मस्त घूम के आया और आके भी मस्त, मैंने तो इनको भाव मतलब भाव भी नहीं दिया 1% भी, जो कोई वीडियो बना रहे हैं जो कोई कुछ भी बोल रहा हो कोई मिलके कुछ भी बातें कर रहा हो 1%, मुझे कसम से फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से भाई। चिल लाइफ है अपनी, वहां पे अपना गांव में आओगे कभी शाम को घूमने निकल जाते हैं ऐसे ही, दिन में कोई काम वाम कर लेते हैं वीडियो वीडियो का, भाई सा अपने इतने सारे जुड़े हुए हैं वो भाई आ जाते हैं उनसे मिलते हैं बिठाते हैं पिलाते हैं और अपना चलो जी भाई ओके। तो ये डेली का रूटीन रहता है? हाँ अपना आराम बस चिल ले, हम 6-7 भाई हैं हम पूरे सर्कल में एकदम क्लोज, सारे एक साथ बैठते हैं
किसी दिन कहीं निकल जाते घूमने फिरने, किसी दिन कहीं, ऐसे चलता रहता है। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस मतलब बेसिकली स्क्रीन शॉट से लिए हैं जो आपकी वीडियोस में कमेंट्स करते हैं, ठीक है। एक भाई ने लिखा, अरुण भाई बी लाइक प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आई डोंट लाइक प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम लाइक मी सो आई कांट अवॉइड। क्या बोलोगे इस भाई को? क्या भाई, प्रॉब्लम्स का तो ऐसा ही है ना, मतलब अच्छी चीजें तो सब दिखा देते हैं, प्रॉब्लम भी तो किसी को दिखानी चाहिए ना। क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वरना सब तारीफ ही करते अपनी चीज की। मान लो मैं कुछ भी खरीदूंगा तो अच्छा ही बताऊंगा ना उसको। करेक्ट। दूसरा है कि महिंद्रा फर्स्ट मिस्टेक सेलिंग देयर कार टू वरुण पवार, मेरी कोई गलत मतलब नहीं निकालना, ये सच है महिंद्रा की सर्विस उतना अच्छा नहीं है। इस पे क्या रिव्यू रहेगा भाई? मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना कंपनियां ऐसे यूट्यूबरों को गाड़ी देना बंद कर देंगी। ये यूट्यूबर है बंद करो, इसको गाड़ी नहीं देनी। एक भाई ने लिखा कि ये है किशन चौधरी, अरुण पवार मिस्टेक वोट महिंद्रा कार, क्या लगता है गलती है या ठीक है? ठीक है यार, लाइव एक्सपीरियंस मिल गया ना, देखेंगे मतलब अब इससे पता चल जाएगा ना आगे कभी महिंद्रा गाड़ी खरीदनी नहीं खरीदनी। एक आपके बहुत ही प्रिय सब्सक्राइबर है, अरुण भाई आपके खिलाफ बहुत हेट फैला रहे हैं लोग बाग, बट डोंट वरी हम आपके साथ है, हेटर्स को हम अपने आप निपटा लेंगे। क्या बोलते हो अपने फैंस को? बहुत बहुत शुक्रिया, सच में निपटा लेते हैं भाई। कोई बनाता है ना तो सच में आप उनके कमेंट्स में आके देखोगे ये मेरे तक आनी नहीं देते बात, आराम से खुद ही खुद उनको बढ़िया तरह बता देते, फिर उनको कमेंट से डिसेबल करनी पड़ जाती हैं। मैंने देखी है ऐसी वीडियो जिन्होंने एक दो ऐसी बनाई थी जो ऐसे मतलब उस पे दिखा रहे थे प्रेशर वेशर मरवा के, उसने कमेंट ही डिसेबल कर दी उसमें, इन्होंने खूब अच्छी तरह से भाइयों ने लिख दिया था, कमेंट ही डिसेबल कर रखी है उसने। तो चलो ये वाला खत्म हो गया, इसके बाद हमारे पास बचता है आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। बट रैपिड फायर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अभी तक का यूट्यूब का सफर आपका कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग रहा या आपको लगा कि बस इजी रहा बहुत, क्योंकि जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, जो आपको फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं वो भी आपसे बहुत इंस्पायर्ड होते होंगे, राइट? तो वो भी अपना कुछ ऐसा करना चाहते होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है और अपना चैलेंजिंग भी बताना यूट्यूब पर अभी तक का कितना चैलेंजिंग रहा है। चैलेंज एक यही लगा भाई, वरना इसमें तो कैसी क्या ही चैलेंज होंगे यार, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मन करता है वो शूट करके डाल देते हैं, इसमें मेरे को तो कुछ नहीं लगता चैलेंज वैलेंज कुछ भी होता होगा। चैलेंज यही है हाँ, मतलब पुराने टाइम में ऐसे कंटेंट की बहुत कमी होती है कि किस कैसे कहाँ से गाड़ी अरेंज करें, क्योंकि बहुत बार अब जैसे अच्छी अच्छी स्टोरी हम बता देते जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन गाड़ियां वो मना कर देते शोरूम वाले कि अलाउड नहीं है, या फिर ऊपर से परमिशन लो या ऐसे लो, तो फिर यही लगता है कि यार क्या बनाएं क्या बनाएं। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैं आपके उसके थ्रू बताना भी चाहूँगा, जैसे बहुत नए भाई आते वो यही कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि भारून भाई वीडियो में वीडियो नहीं बनाने देते शोरूम वाले ऐसे ऐसे। मैं कहता हूँ भाई थोड़े से दिमाग का यूज़ करना पड़ता है हर चीज़ में, आप उनसे ऐसे कहो कि मेरे को टेस्ट ड्राइव दो गाड़ी की, टेस्ट ड्राइव के बहाने मतलब देखो थोड़ी सी गलत बता दिया थोड़ा हो सकता है, अपना बंदे को उसको आराम से सेट करो, फ्रेट व्रेट बनाओ और कहो कि ऐसे ऐसे वीडियो बना दे 10 मिनट का काम भाई गाड़ी शूट। भाई मैं कैमरा लेके खड़ा होता हूँ ना 10-15 मिनट में वन टेक में निपटा देता हूँ मामला, अगर 10 मिनट निकाल के अनकंफर्टेबल जोन से अपना बाहर निकलोगे तभी सक्सेस हाथ लगेगी। अब कुछ सोचो कि भाई अब मैं आज सोच रहा हूँ चलो चैनल बनाता हूँ तो मैं कंपनी को फोन करूँ गाड़ी यहाँ पे आएगी मैं वीडियो बना के डालूंगा मिलियंस में व्यूज लाइक कर देगी, ऐसे नहीं होता, हाथ पैर मारने पड़ते हैं भाई, बहुत धूप में काला होना पड़ता है स्टार्टिंग में तो बहुत होता है, लेकिन धीरे 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 लोग भाई जुड़ते चले जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा जरूरी भी ये भी है कि एक कंटेंट पे, मैं भी ये कहता हूँ एक कंटेंट पे चिपक के मत रहो, क्योंकि कितने बड़े बड़े चैनल्स थे आज एकदम डेड हो गए हैं, अपने कंटेंट को धीरे धीरे शिफ्ट करते रहो, जिस भी राह पे आपको लेके जाना है उसको मतलब बहते रहो। अब आप बिल्कुल ही एकदम ही बस रिव्यू रिव्यू रिव्यू, आज मैं वाइट डस्ट का डाल रहा हूँ, कल सलाविया का डाल रहा हूँ, कल एल्काजार का डाल रहा हूँ, वो आपके साथ ऐसी जनता जुड़ेगी जो सिर्फ स्पेसिफिकली उस गाड़ी को देखने के लिए आ रही है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैं हमारे व्यूज आप देखो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट से ही रहते हैं हर वीडियो पे, मान लो 1 लाख देख रहे हैं 2 लाख देख रहे हैं तो कॉन्स्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो पब्लिक हमने ऐसे जोड़ ली ना अपने साथ की वो देखेंगे ही देखेंगे, चाहे मैं नैनो डाल दूँ चाहे 800 डाल दूँ कुछ भी डाल दूँ, तो एक मिनिमम ऐसा नंबर होना चाहिए।
वही है मतलब एकदम रिव्यू पे ही मत रहो, चेंज लाते रहो, क्योंकि कल को उसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी कि भाई कंटेंट की कमी हो रही है, तो आपका जो मन करेगा वो भी कर सकते हो। अब एक ही उसके साथ मत चिपके रहो, मेरा ये मानना है बस। बट मुझे एक चीज और बताओ, जो अभी आपने बताया लेट्स एग्जांपल कोई आप कार रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप जनता जुड़ी आपके साथ में जो कि रिव्यू स्पेसिफिक है, हाँ, कि भाई मेरे को इस गाड़ी का रिव्यू देखना है तो मैं अनुपम वार की वीडियो देखूंगा, ये मेरे को कंफर्टेबल रहेगा कि मेरे को यहाँ से पता लग जाएगा कि लेनी नहीं लेनी। बट अगर कल को आप कंटेंट चेंज करोगे तो आपका जोनर भी तो चेंज होगा, तो वहां पे क्या लगता है जो रिव्यू वाली ऑडियंस है वो देखना उस कंटेंट को पसंद करेगी या कैसे? इस बात में मतलब आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वो चेंज करने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक ही गाड़ी है उसका ऐसे नहीं कि मतलब बस आप अपना भाषण दे रहे हो, सेम गाड़ी का जैसे आप बता रहे हो, जैसे किसी को गाड़ी लेनी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑडियंस वही है, अगर मैं चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली वो नहीं। तो इसमें क्या करो, आप रिव्यू ना दिखा के ऑनरशिप रिव्यू ले लो। अच्छा, मतलब इसका वेरिएशन बेसिकली चेंज करो थोड़ा, ऐसे कंटेंट नहीं कि मतलब आप ऑटोमोबाइल से म्यूजिशियन बन जाओ, सिंगर बन जाओ, ऐसा वाला नहीं। आप ड्राइविंग रिव्यू दिखाओ उसका अलग तरीके से। अब मैं मेनली क्यों ऐसे थोड़ा सा वो हुआ, एकदम थोड़ा अलग कैसे हो गया, मैं थोड़ा कंटेंट को बांट देता हूँ भाई, मतलब एक ही उसमें घुसपुस नहीं करता, हर चीज के लिए स्पेसिफिक जिसको जो देखना है। गाड़ी के 10 नेगेटिव है उसको अलग छाट दिया, उस टाइम पे बिल्कुल कोई नहीं करता था, 10 नेगेटिव अलग छाट दी, 10 पॉजिटिव अलग छाट दिया, दो वीडियो अपने लिए भी फायदा हो गया, दो बन गई, पब्लिक का टाइम भी सेविंग हो गया, जिसको नेगेटिव देखने वो नेगेटिव देख लेगा। मान लो किसी को वेटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है गाड़ी की, तो वो सोच रहा है कि यार बेकार गाड़ी है कहीं से पता चले, जबकि उसको पसंद है तो वो नेगेटिव देख के ही कहेगा चलो कुछ और ले ले, तो इसमें सही में नेगेटिव है, या किसी को पॉजिटिव देखनी है तो वो पॉजिटिव। तो इस तरीके से चेंज करो, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से, समझ गया ऐसे करो, ऐसे नहीं कि बस ओनली रिव्यू, वो मेरे कहने का मतलब है वेरिएशन लाना बेसिकली आपको, सेम ही कंटेंट, हां सेम ही कंटेंट में थोड़ा सा अलग अलग दिखाते रहो तो बढ़िया रहता है। मतलब तो अभी हम अपना रैपिड फायर स्टार्ट करने वाले हैं, अरुण भाई से देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अच्छा, रैपिड फायर क्वेश्चंस आपको अगर मान लो कोई अच्छा ना लगे तो आप साफ साफ मना कर सकते हो, नहीं देना, नहीं बताना। ठीक है जी। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक? अपनी मिस्टेक से? हाँ, अब वही है, अब दोबारा नहीं करेंगे भाई, अब ऐसे यही रहता है कि उससे सीख, जो उसको थोड़ा सा ऐसे कर लो कि ये नहीं करनी चाहिए थी बस, और आगे नहीं होगी मेरे को। तो व्हाट मेक यू स्माइल भाई? मेरे को जब मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ डेट मेक्स यू स्माइल, और जब मैं कंफर्टेबल रहता हूँ तो मैं थोड़ा गुन्नू टाइप आदमी। अच्छा। तो मैं थोड़ा ऐसे माथा सा चढ़ा रहता है मेरा, और अब जब जैसे भाइयों से मिलता हूँ या नहीं भाई है, तो तुरंत पता नहीं अजीब से स्माइल भी आ जाती है भाई। वेयर डू यू फाइंड योर इंस्पिरेशन? मतलब कि भाई होता है ना हर एक बंदे को कि कुछ चीजें कैसी रहती है कि जहां से थोड़ी सी इंस्पिरेशन, अपने फेलो क्रिएटर्स को देख के इंस्पिरेशन से आती रहती हैं। मतलब किसी ऐसे ही भाई किसी टाइम पे ये ऐसे हमसे रिव्यू बनवाने आते थे, आज बताओ कहां पहुंच गए, उनसे ही इंस्पिरेशन ले लेके अपना आगे बढ़ते रहो। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड? जरा ऐसे कैसे याद रहता है भाई? क्या डेली बोलते हो? मतलब यार अच्छी चीज के लिए झूठ बोल दो किसी से, मान लो घर वाले पूछ रहे हैं कल रात को कि कहां है, अब मैं दोस्तों के साथ हूँ तो मैं कह देता हूँ कि चलो आ रहा हूँ 1 घंटे में, मैं 2 घंटे बाद पहुंच रहा हूँ, तो पूछते हैं कहाँ रह गया, मैं कैसे खाना, मतलब यार सही है, कई बार झूठ बोल दो तो क्या दिक्कत है, चलता है। Have you ever cheated in exam? हाँ भाई, मतलब कौन नहीं करता, मतलब कहीं से पता चल जाए तो बिल्कुल अच्छी बात रहती है। मतलब मंदे टाइम में रहता था यार, दो जैसे होशियार रहते थे तो वो मतलब उनसे पूछ लेते थे। सभी करते हैं भाई इसमें तो, चीटिंग तो सभी करते हैं मेरे ख्याल से। एकदम ऐसे बच्चे नहीं रहे कि एकदम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले रहे हूं। अच्छा, बचपन कैसा था? मतलब एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव? अरे नहीं, बहुत पिट के बड़े हुए हैं हमारे, हम जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो पापा एकदम देसी टाइप जैसे रहते हैं, तो बहुत गुस्सा वाले थे ऐसे, मतलब नंबर वंबर कम आए तो ये जो मार्च का महीना रहता है 30-31 को रिजल्ट आना होता था, तो इस टाइम में बहुत डर लगता था, पिटेंगे। जाटों की फैमिली में रहा था मैं भी, जाट हूं तो हमें तो पता ही है, कुटते हुए आए हम शुरू से, बहुत पिटे हैं बहुत ज्यादा। बट अब तो सिनेरियो चेंज हो गया है, अब तो पापा ऐसे कहते हैं तुम बराबर कह रहे हो, मुंह तो पिटते अच्छे ना लगो। नहीं तो पहले तो यही बोलते थे लटका ही आ रहा है, ये लट से ही समझेगा। हां, कल परसों ही ट्रिप, मतलब
अब भी मतलब ऐसे गाली वाली तो बहुत, गाली वाली तो चक्कर चलती रहते बहुत रहते रहते, पर बढ़िया था मतलब कुल मिला के, मजा आया जिंदगी में अभी तक तो। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है अभी आपकी। हाँ, तो चलो मैं चाहूंगा एक आज हमारे बीच इतना यंग क्रिएटर बैठा हुआ है जो बिलियन सब्सक्राइबर अपने चैनल के ऊपर है, तो मैं चाहूंगा अरुण भाई एक अपकमिंग जो जनरेशन है ठीक है उसके लिए एक मैसेज थ्रू करो इस पॉडकास्ट के माध्यम से। भाई अपना स्किल्स डेवलप करो, मैं तो ये कहूँगा। आजकल जैसे लोग ट्वेल्थ करने के बाद चलो बीटेक कर लेते हैं 4 साल की, कोई वैसा कोर्स कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, कुछ नहीं है भाई, नथिंग है। आजकल पॉपुलेशन इतनी हो रही है ना, बड़ी है मतलब, कोई स्किल ऐसी सीख लो, एडिटर हो गया अपना, मतलब बहुत सा कैमरा वैमरा हो गया, वीडियो हो गया, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई, बहुत ज़्यादा। ऐसे कोई एक स्किल डेवलप कर लो जिससे आप फ्रीलेंसिंग में आराम से पैसा कमा सकते हो, मतलब ये बी टेक में 10-15 लाख रुपए लगाने से अच्छा है कि आप ऐसे फ्री फंड में सब कुछ सीख के और बढ़िया वो काम कर सकते हो। ऐसे मत सोचो कि आप बी टेक कर लोगे 4 साल बाद तो आपके पास नौकरी रहेगी, कुछ नहीं है भाई। और मतलब बहुत सारे कोर्स हैं ऐसे, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, अरे फ्रीलैंसिंग करो सबसे बेस्ट है। मैं तो कहता हूँ मतलब पढ़ना तो जरूरी है पर 12वीं के बाद एक होना चाहिए जरूर, उससे पहले ही कर लो तो और बढ़िया है भाई। किसी भी फील्ड में करो, गाने बनाने में करो, वीडियो बनाने में करो, मतलब मैं तो क्रिएटर हूँ इस फील्ड से हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, वरना तो और भी कोडिंग वोडिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें सीख लो भाई, वो बढ़िया रहता है। हम ही एडिटर के लिए डोलते हैं भाई, मिलते ही नहीं, 20-25 हज़ार रुपये भी आप मतलब ऐसे जो रहले और वहाँ पे मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट सा रहता है ढंग का, ऐसे तो मिल जाते हैं बहुत, पर एक ढंग का सा चाहिए, कोई बढ़िया नेचर भी अच्छा हो और वैसे वो उसमें थोड़ा डिफिकल्टीज होती हैं। अभी तक तो खैर एक रखा था मैंने, लेकिन महीने भर में उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ा, वो गलत राह पे चला गया था तो फिर अभी 1 महीने तक उसको दिया था। और मैं एक ये भी चीज़ समझता हूँ भाई मेन, तो यार जैसे बहुत लोग बोलते हैं आप एडिटर मतलब आप सब काम खुद ही करता हूँ, जैसे मैं कहते हैं एडिटर की, तो मैं सोचता हूँ जैसे मेरे को जो चीज़ पब्लिक को दिखानी है वो उसको क्या पता भाई। अब मान लो जैसे मेरा दिमाग गाड़ियों में चलता है जैसे, हैं वो भाई उसका काम एडिटिंग करना है, उसको ये नहीं पता नहीं कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या पर्टिकुलर मैं कट करना चाहता हूँ, क्या क्या तो ये चीज़ सूट नहीं कर पाई आज तक मेरे से किसी के साथ ना, इसलिए मैं खुद ही करता हूँ और ज़्यादा 10-15 मिनट लगते हैं लास्ट करने में। हाँ तो भाई परम भाई महिंद्रा वाले आए घर पे और अपना मतलब गाड़ी वाड़ी को लेके चले गए, और उनका जो रीजनल हेड से भी जो बंदा होता है उन्होंने सारा कोऑपरेट करवा के मेरे ख्याल 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा आया गाड़ी में, मतलब हमसे एक पैसा नहीं लिया, और गाड़ी को बनाकर घर पे एक एक चीज़ जहाँ अगर स्क्रैच भी था वो पूरा नया करके चले गए। अगर भाई कंपनी ऐसी मतलब उनको कहीं लगता कि झूठ करा है वो करा है, मैं तो खुद ही कहता हूँ भाई हाँ दो एंगलों से इसलिए शूट करा क्योंकि आदमी बंड था, और मैं तो वो वीडियो में दोबारा मैं लेके गया इसलिए कि पब्लिक को प्रूफ ही नहीं होगा। हाँ एक मेरे से गलती ये जरूर हुई कि जब मैंने रील डाली तो उस रील का जैसे एंड में वो वहां पे खत्म हो गई जहां से बह रहा है, तो उसका ना कुछ सर पता चल रहा था ना उसका कोई पैर पता चल रहा था जब, और वीडियो क्योंकि एक सीरीज चलती है पार्ट 1 पार्ट 2 और वो था पार्ट 3, तो उसमें मैं जैसे लेट 2 दिन का स्पेल लेके चलता हूँ क्योंकि स्पीति साइड टावर वावर आते नहीं है, तो पहले से बैकअप में वीडियो शेड्यूल करनी पड़ती है, तो मैं उस रील को डालने के 2-3 दिन बाद मैंने वो जो वीडियो है यूट्यूब पे पूरी डाली अनकट, वहां से लोगों को थोड़ा सा डाउट पैदा हुआ, वहां पे मैं गलती मानता हूँ जिस वजह से लोगों को थोड़ा सा ये ऐसा फील हुआ, तब तक ये बात सर्कुलेट हो गई थी तो ये थोड़ा सा दिक्कत मेरी साइड से हो गई, लेकिन अभी एट द मोमेंट सब रिजोल्वड है, सब महिंद्रा ने अपने गलती वलती मान के जो भी है गाड़ी मतलब जो भी उसमें कमी आती इवन उसकी डिस्क पैड में से वैसी आवाज़ आ रही, तो उन्होंने डिस्क ही बदल दी और डिस्क पैड भी दोनों चीज़ बदल दी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि वो वारंटी मतलब सर्विस वाला पार्ट। अब एज अ यूट्यूबर तो मेरे को फिर ऐसे लगता है कि अच्छा है, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल आदमी के लिए वो महिंद्रा वाले नहीं करते, इस चीज़ का मेरे को पता है। जैसे और करते रहते और भी लोगों की जैसे प्रॉब्लम्स आई, तो मैं 1-2 दिन लेट हो गया था उनको रिप्लाई करने में, ऐसे कुछ था घर पे सीन, तो वो बोल रहे थे कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो अलग आप काम कर रहे हो, हमारी भी प्रॉब्लम दिखाओ ये दिखाओ। अब बात वही आती है अगर मैं उनकी प्रॉब्लम अब लेके आऊँगा तो लोग फिर वही नाम लगाते हैं, ये तो कॉन्ट्रोवर्सी किंग है, अगर इस एंगल से सोचते ही नहीं, फिर पब्लिक भी ऐसे सोचते कि भाई तेरे तो तुझे तो वो वाला सीन है कि अपना
काम निकल गया और दूसरे जाने दे। अब बहुत सारे ऐसे भाई हैं उनकी और मतलब अलग अलग गाड़ी है भाई, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल सर्विस सेंटरों में आप जाओगे अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लेकिन अपनी तो बना दी ठीक है, अपनी को तो घर से ले जाते हैं, जबकि हमारा थोड़ा सा गाँव वाँव का एरिया पड़ जाता है, वहाँ से कोई सर्विस देता नहीं अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा। और हमको तो नहीं मतलब एक्सयूवी सेवन ने बोलो दे रखी है चलाने के लिए, काफ़ी दिन हो गए उसको, टंकी वंकी फुल करवा के जो किया तो विरेंट दे के गए, लेकिन एक आम आदमी को नहीं करते ना, एक आम आदमी नहीं करते ना सब, करेक्ट। तो वही है भाई, बट चलो फाइनली सॉल्यूशन मिल गया है, मिल गया है हाँ। और जो लोग खामो खा के मिथ बना रहे हैं या कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं वो सब ये सारी चीजें मत करो यार। हाँ वही है, इन चीजों से दिमाग ही खराब होता है कि भाई गाड़ी ली हमने और एज अ फीडबैक अगर कुछ शेयर कर रहे हैं। अब भाई ऐसे तो और लोग अगर मान लो और लोग के साथ हो जाता ये, तब इतनी ऊपर तक नहीं जाता, नहीं जाता, तब तो कोई उन पर उंगलियां नहीं उठाता, तब लोग कहते कि हाँ हो सकता है हो सकता है, जैसे आर्टिकल वार्टिकल तब भी लिखे जाते। पर एनीवेज अब देखता हूँ मैं महिंद्रा का क्या करना है इनका, क्योंकि इतना सब सुनवा रही है यार, इतने सब क्वेश्चंस खड़े करवा रही है आज तक भाई साहब, इतने इससे पहले तक छवि ऐसी थी बिल्कुल, हर कोई मतलब करता था अब भी है, लेकिन एकदम वो रहता है ना कोई एक ये क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि इस बंदे ने यहाँ पे इसकी कमी होगी या इसने यहाँ पे कुछ करा होगा, आज तक भी 1% भी है। इस चीज से मेरे ऊपर कुछ नहीं, पर वो ये ना भाई बैठकों में अब क्वेश्चंस उठेंगे, बदनामी होगी या गॉसिप्स होंगी, वो मुझे पर्सनली बहुत 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 गंदा सा लगता है। जब एक तो रहता है आदमी गलती हो तो मैं भाई उसको हजम कर जाऊं कि छोड़ना हमारी गलती, जब गलती नहीं होती ना तो फिर भाई जो बिल्कुल ही करीबी यार दोस्त हों जिनके साथ बैठ के खाना खाया हो चाय पियो और सब कुछ कराओ, वही जब हम पे लाक्षण लगाते हैं तो फिर भाई दिल से गंदा सा लगता है बहुत ज़्यादा, कि उनको मतलब गाड़ी पे ज़्यादा भरोसा है अपने भाई बंधु और अपने उनके ऊपर, यही है। और कम्युनिटी का और थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो बताओ, अगर मैं जैसे मान लो किसी की एक वीडियो भी यूज़ करी थी माय रिप्लाई टू महिंद्रा वाले वीडियो में, अब उसमें भी भाई एक भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, मतलब पता नहीं इतनी हेट किस लिए, मतलब एक गाड़ी के लिए इतनी हेट दूसरे आदमी के लिए बना दी, मतलब उनको इतनी भरोसा कंपनी पे है, जबकि कंपनी अब उसमें फॉर्म लगा के देने लग गई है, जो स्पीकर वाला पार्ट उसको क्लोज करके देने लग गई है, जब भी उनकी आंखें नहीं खुलती, जब भी उनको बंदा ही गलत लगता है कि क्यों, एक कंटेंट क्रिएटर है तो वो लोग कंटेंट का नाम देते हैं, व्यूज का नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं, अरे भाई तो मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं उसको ना डालूं, अपनी तो रिकवरी कर लूं, करेक्ट, डालना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जब एक एक चीज मैं उसकी दिखाता हूँ, अगर मैंने वो डाल दी कंटेंट व्यूज, व्यूज चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, भाई बहुत बढ़िया, तब भी बोला करो इन चीजों को भाई, जब किसी वीडियो पे कम व्यूज आते हो तब भी बोला करो कि अरे इसकी वीडियो नहीं चली इसलिए नहीं चली इसलिए नहीं चली, उस तब भी हमको फीडबैक दिया करो, तब तो भाई कंटेंट के लिए क्या होगा व्यूज के लिए क्या होगा भाई, इतना ईमान कभी आज तक नहीं गिरा कि कभी कंटेंट के लिए इसके लिए कुछ ऐसे नीच हरकत करी हो कभी। तो भाई थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीजें डिस्कस करी और स्पेशली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर भी आपने टिप्पणी दी, आई थिंक लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आप बताओ आपको कैसा लगा ये सारी चीजें डिस्कस करके? बढ़िया भाई, ऐसे बहुत साल का हो गया, मतलब ऐसे रहता है ना सारी चीज बता दी मैंने भाइयों को, अब भाई गलती चलती हुई हो किसी बात में कुछ किसी को हर्ट हुआ तो बहुत बहुत सॉरी, अगर किसी क्रिएटर को या किसी को भी अगर गलत लगा हो तो भाई सच में ऐसी इंटेंशन नहीं थी, फ्लो फ्लो में कुछ निकल गया हो तो माफ करना भाई। अब आप मेरी तारीफ कर दो, सब्सक्राइबर को बोल दो अपने कि भैया जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल। हाँ भाई परम भाई को सब्सक्राइब जरूर करें, मस्त मस्त पॉडकास्ट, और भाई बहुत बहुत मेहनत, मतलब ये तो आप देख रहे हो सेटअप वेटअप करने से पहले कम से कम 1 घंटे तक हमने भाइयों की मेहनत देखी है, यहाँ पे शेड हो यहाँ पे कैमरा यहाँ पे माइक, मतलब मेहनत का काम तो भाई बहुत ज्यादा है यार, इतने में हमारी 4 वीडियो नहीं पड़ जाती जितने में भाई का सेटअप हुआ है। ये तो और जॉब करते हो ना, जॉब के साथ साथ ये करना रियली बढ़िया है भाई, ऐसे नौकरी ना छोड़ कर फुल टाइम मतलब बनाने का मेरे ख्याल से सही डिसीजन भी नहीं है, अपना पार्ट टाइम करते रहो तो बेस्ट है भाई, एकदम बेस्ट है, आपको तो बढ़िया। क्या 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 लोग करते हो? अब ये वाला तो हम बाद में बता देंगे, अब अपना भी तो कभी पॉडकास्ट बनाओ। तो मेरा पॉडकास्ट आप कर रहे हो, आकाश भाई ने किया ही है, आप कर लो। तो खैर एनी हाउ बहुत सारा डिस्कशन हुआ, आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, जो आपने डिमांड करा था तो वरुण भाई आ गए थे,
फिलहाल इस पॉडकास्ट को कर देते हैं यहीं पे खत्म किरण भाई, और मिलते हैं फिर कुछ अलग कुछ एपिसोड कभी मिले तो कुछ ऐसा कुछ एपिसोड क्रिएट कर लेंगे। आना फार्म पे आना पड़ेगा भाई, अब वो आपकी जगह पे है, आपको हमारे डन डन अब लोगों ने आना बंद कर दिया लेकिन आपको आना पड़ेगा। आप भाई देखो पुराने दोस्त नहीं आते अब, लेकिन अब आप नए नए दोस्त तो नहीं, जाट जाट भाई मिल गए ना, क्या दिक्कत है। आपको आना पड़ेगा और भाई के लिए एक तो एक चीज बना के भाई को ऐसे मस्त खिलाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। डन डन डन, तो वो वाला व्लॉग भी आपको जल्दी से देखने से मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू।